मध्य प्रदेश में क्यों हुई कांग्रेस की हार, उठा सवाल तो समाजवादी पार्टी ने जले पर छिड़का नमक। सपा ने कह दी ऐसी बात के कांग्रेसियों की आंखों से टपकने लगे आंसू, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अखिलेश के नेता ने बोला जुबानी हमला, साफ कर दी तस्वीर, सपा को हल्के में लेना पड़ेगा अभी और भी भारी। मध्य प्रदेश समेत तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो हाल हुआ है उस पर सपा ने तंज कसते हुए जले पर और भी नमक छिड़क दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ ने जिस तरह से चुनावों के दौरान बयान दिया था उसी को जिम्मेदार ठहराते हुए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह यादव उर्फ काका ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपा प्रमुख के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया था। अखिलेश यादव चार बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके लिए अखिलेश वखिलेश कहना मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बहुजन वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला था और इसी का नतीजा कांग्रेस को चुनावी परिणाम में भुगतना पड़ा है। काका ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कमलनाथ सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना को लेकर एक शब्द भी आज तक नहीं बोले, ये चुनावी परिणाम उनके अहंकार की हार है। काका ने खुलासा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों की मांग कर रही थी लेकिन हमारे नेताओं का अपमान कांग्रेस ने किया, अगर पिछड़ों को 5 सीटें नहीं दे सकते तो फिर उन्हें वोट कौन देगा। मनोज काका ने रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ये भी सुना दी और कह दिया कि जो भी परिणाम सामने आए हैं वो कांग्रेस नेताओं की अहंकार की हार है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में सपा और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर तल्खी हुई थी। विशेष रूप से हरदोई की एक सभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सवाल किया था कि वो बताएं कि सपा के साथ गठबंधन उन्हें करना है या फिर नहीं। सपा कांग्रेस को धोखे में नहीं रख सकती क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ाई हमें ही लड़नी है, कांग्रेस को जब जरूरत होगी तब सपा ही उनके काम आएगी। अखिलेश यादव के ये बयान उस वक्त सामने आया था जब मध्य प्रदेश के चुनावों में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने सपा को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सपा प्रमुख नाराज हो गए थे और उन्होंने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। दूसरी ओर सपा के मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाया है, कांग्रेस और सपा दोनों लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजेंद्र चौधरी ने कहा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र को जिस तरह से आहत किया गया वो ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की हमारी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।